डाउन टैंक। हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे ब्लो डाउन टैंक के बारे में। ब्लो डाउन टैंक, ये जो जो टैंक है, बॉयलर से आने वाले सारे ब्लो डाउन वाटर को ये रिसीव करने के लिए इस टैंक को प्रोवाइड किया जाता है, लगाया जाता है। और इस वाटर को प्लांट के अंदर जो नियरेस्ट ट्रेंच होता है, वहाँ इस वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस टैंक के टॉप से यहाँ ब्लो डाउन का वाटर यहाँ से इनलेट हो रहा है IBD, CBD और कॉमन ड्रेन से, ठीक है, ये इन कर रहा है यहाँ पे। और मेन डिस्चार्ज यहाँ बॉटम से होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो वाटर लेवल होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर एक और डिस्चार्ज पॉइंट दिया हुआ होता है, जो जनरली ये डिस्चार्ज पॉइंट यूज होता है। इसमें यहाँ से वाटर जब वाटर इंटर करता है, तो जो फ्लज स्टीम होता है वो एटमॉस्फेयर में इस वेंट के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है। और वहीं जो हॉट लिक्विड होता है, जिसमें कुछ कंडेंसेड और वाटर का ब्लो डाउन वाटर का मिश्रण होता है, वो इस ब्लो डाउन टैंक में एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि जमा हो जाता है यहाँ पे। इसमें जो ड्रेन पॉइंट के आउटलेट में, ठीक है, ये ड्रेन पॉइंट के आउटलेट में एक लूप सील प्रोवाइड किया जाता है, लूप सील लगाया जाता है, जो हेल्प करता है ब्लो डाउन टैंक के अंदर, ब्लो डाउन टैंक के अंदर वाटर कॉलम को मेंटेन करने में, जिससे टैंक के बाहर जो लगे गेज गिलास का में जो वाटर का लेवल को देखा जा सके। ये जो लूप सील का साइज होता है वो 18 NB होता है। 18 NB का मतलब होता है कि NB मतलब नॉमिनल बोर्ड, लगभग ये 3 इंच के बराबर होता है। 18 NB मतलब कि 3 इंच, ठीक है। और इसका जो मटेरियल होता है SA106GRP, ठीक है। और इस टैंक में वाटर इस लूप के लेवल के बराबर तक होना चाहिए, तभी वाटर जो है इस टैंक से ये ड्रेन होगा, ठीक है इसमें। और ये टैंक जो होता है वो कार्बन स्टील से बना होता है। इसका जो लोकेशन होता है, जो लोकेशन ग्राउंड फ्लोर में बॉयलर के एकदम नियरेस्ट होता है।